bandhire patang meri bandhire. Hello Tarak, I'm ready. सूरज घर में आ गया है क्या? ओ, ओ, चले भाई, दो मिनट बस, लास्ट पतंग है. ओके ठीक है, मैं भी फटाफट आती हूँ. हाँ गुड मॉर्निंग बॉस, हैप्पी मकर संक्रांति बॉस, व्हाट अ मॉर्निंग. हाँ बॉस, नहीं नहीं बॉस, नो प्रॉब्लम्स बॉस. नहीं नहीं, मीटिंग्स तो रखनी चाहिए. I like your this attitude, boss. कि त्योहार तो रोज आते रहते हैं लेकिन काम होना चाहिए. या बॉस, या. नहीं नहीं, पहुंचूंगा मैं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ बॉस, बस अभी आता हूँ बॉस. ओके बॉस. उस बॉस को तो ना पतंग के साथ बांध के हवा में उड़ा देना चाहिए मीटिंग. तारक, now I'm ready. अब हम चलें? हम नहीं भाई, सिर्फ तुम. मतलब? मतलब कि मुझे अभी पतंग की तरह उड़के ऑफिस जाना पड़ेगा. What? तारक, मकर संक्रांति के दिन पर कोई ऑफिस जाता है? जाना पड़ता है अंजलि, और जाना पड़ेगा. बॉस का फोन आया, अर्जेंट मीटिंग है. ओहो तारक, कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं कर सकता अंजलि. और एक बात बताऊं, कैंसिल नहीं करने के तीन कारण. पहला कारण, वर्क इज फर्स्ट, बाकी सब चीजें बाद में. दूसरा कारण, आराम हराम है. और तीसरा सबसे मुख्य कारण, नहीं जाऊंगा तो नौकरी जाएगी. ये क्या तारक, आज गोकुल धाम में हम सब मिलकर कितनी उमंग से पतंग उड़ाने वाले हैं और आप ऑफिस जा रहे हो. मैं जानता हूँ अंजलि, मुझसे छुपा है कुछ. और गोकुल धाम में पतंगबाजी तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे सचमुच हम गुजरात में पहुंच गए हो. वहाँ का जोश और यहाँ का जोश बिल्कुल बराबर होता है. तो लेकिन क्या करूँ, मेरे बॉस का मीटिंग है, जाना पड़ेगा. तुम लोगों के मजे हैं, हाउसवाइफ्स, कोई बॉस नहीं होता. वेरी फनी तारक, आपको ऑफिस में एक बॉस होता है. पता है हम हाउसवाइफ को कभी कभी एक पति में 100 बॉस दिख जाते हैं. आपको क्या पता हम पतियों पे क्या गुजरती है तारक. एक मिनट अंजलि, मकर संक्रांति का त्योहार पतंग में पेच लड़ाने का है, हम आपस में क्यों पेच लड़ा रहे हैं? मैं ऑफिस जाके अपने बॉस को बर्दाश्त करता हूँ, तुम मकर संक्रांति मनाओ, पतंग उड़ाओ. नहीं तारक, आपके बिना अकेले मुझे क्या एंजॉय करने में मजा आएगा? मुझे पतंग उड़ाने में ही मजा नहीं आएगा. अरे अकेली कहाँ हो, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है ना तुम्हारे साथ. वो सब ठीक है तारक, पर आपको पता है एक पत्नी के लिए पति बिना त्योहार मनाना यानी बिना डोर के पतंग. अंजलि बी प्रैक्टिकल, क्या करती हो भाई तुम, अपने उमंग में कोई कमी मत आने दो, जम के पतंग उड़ाओ वरना मुझे बुरा लगेगा. अच्छा ठीक है, पर आप ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना. हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आने की. ओके ओके. माधवी भाभी सच्ची मुच्ची, अगर तिल के लड्डू बनाने का कंपटीशन होगा ना तो आपके हाथों के बने लड्डू को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, इतने टेस्टी है. सही बात है. अरे कमाल से बाबा. अरे गोली किधर गया? अरे वो तो कन्नी बांध रहे. हाँ, तो हम भी क्या पर क्या कर रहे हैं? चलो गोली के पास. हाँ चलो, चलो. महंगा पड़ा. अरे दया, एक मिनट है, निकल. क्या है? अरे क्या क्या नाश्ता किधर है दया? अब्दुल फाफड़े जलेबी लेकर आ ही रहा है. अरे कितना टाइम लेके. हैप्पी मकर संक्रांति है भाभी. हैप्पी संक्रांति. हैप्पी मकर संक्रांति भाई. हां संक्रांति संक्रांति. क्या अरे देखो देखो, झगा मगा मला पगा. याला म्हणतात खरा व्यापारी, पूरी पतंग की दुकान साथ लिए घूम रहा है भाई. लेकिन ये सब बेचने के लिए नहीं है भाई. नॉट फॉर सेल, ओनली नजारा. चांगला है, चांगला है. ऐसा लगता है पूरा आकाश शर्ट पे जमा हो गया. कैसे सूझता कैसे पॉइंट? मतलब ये आइडिया कैसे आता है ये शर्ट पे सब डिजाइन विजाइन? अरे ये हमारे एक मित्र है जीतू भाई. बहुत सखा भाव रखते हैं मेरे साथ. हाँ बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो अलग अलग प्रसंग पर मेरे लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया शर्ट बना के भेजते हैं. माधवी भाभी डिब्बे में क्या है? अरे मैं माधवी तू बोला. अरे ये लो.
नहीं हमें बहुत खा चुके भाई। नहीं, हमने तो देखा नहीं, हमने क्या देखा? नहीं हम भी खिलाएंगे। अरे अंजलि भाभी, मैं तो सब कहा है वो। अरे उनको अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ा, उनके बॉस का फोन आया था, पर आ जाएंगे, उन्होंने कहा है जल्दी आएंगे। गुड,